अपना जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो ठीक करना है। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है, क्योंकि दो ऑलराउंडर जो स्पिनर्स हैं ये अच्छी क्वालिटी पिच पे और अच्छी क्वालिटी बैटिंग के अगेंस्ट नहीं चल सकेंगे। स्पीड कहाँ गई है? 130 के ऊपर आपके मेजर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, ये तो एक मौजाना तौर के ऊपर रन चेज हुआ है, बट मुझे नहीं पता हसन अली के क्या फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं। नसीम शाह के जाने से असल में बहुत बड़ा एक होल पड़ा है हमारी बॉलिंग में और उसको पता नहीं कैसे फिल करेंगे, मगर लीडर ऑफ द पैक शाहीन अफरीदी है, उनको अपनी गेम उठानी है। इसी पाकिस्तान के दूसरे जो ऑलराउंड स्पिनर्स हैं वो भारत के खिलाफ चलने वाले नहीं है। पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी विक्ट्री कहना चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इस हवाले से ओवरऑल एक कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस नजर आई, बट हमें कहीं ना कहीं बॉलिंग के अंदर प्रॉब्लम नजर आए। मुद्दतों के बाद ऐसी ठोस कामनेस पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से देखी, चाहे जितनी मर्जी प्लेसिड बैटिंग कंडीशंस हो, मगर फिर भी 48 सालों में इस तरह की कोई अचीवमेंट हुई नहीं है इतना बड़ा रन चेस वर्ल्ड कप इवेंट में। सो ये स्टेज बहुत बड़ी थी और उस स्टेज के हिसाब से एक तरह से पाकिस्तान लटक गया था पहले हाफ में, और दूसरे हाफ में एक क्लियर माइंड के साथ एंटर करना फील्ड और वो स्कारिंग जो हुई थी बॉलिंग में उसको कैरी ना करना, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। सो मेंटल एतबार से गेम उठाई और टेक्निकल एतबार से बहुत अच्छा था। वो 176 रन की जो पार्टनरशिप थी रिजवान और अब्दुल्ला शफी की, उसने काम जो है वो तमाम किया ऑपोजिशन। बिल्कुल ठीक है सर। मीर भाई, हम होता ये है कि विक्ट्रीज के अंदर कई दफ़ा हम अपने जितने भी लूप होल्स होते हैं वो भूल जाते हैं और मिस्टेक आपकी इग्नोर हो जाती है, बट बड़ी टीम वही है या इंडिविजुअली बात करें जो अपनी मिस्टेक से सीखता है वो फिर बड़ा लार्जर दैन लाइफ या एक आइडियल पोजीशन में अपने आप को समझता है। क्या बेसिक चीज़ें समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम को इम्प्रूव करनी है जो एक वर्ल्ड क्लास या दुनिया के सबसे बड़ा एक टाकरा होने जा रहा है भारत के साथ, उस लिहाज से? देखिए ये आसान हो जाता है, मैं उन डगआउट्स में रहा हुआ हूँ या उन ड्रेसिंग रूम्स में रहा हुआ हूँ जहाँ पे जीतने के बाद खुल के डिस्कशन और सख्त डिस्कशन की जाती है, क्योंकि सबका मूड ठीक होता है, कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं होती, बल्कि जनरल एक वेलफेयर के लिए और टीम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कमियां रह गई हैं वो आप खुल के डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि किसी को बुरा उस वक्त नहीं लगता है। तो ये अच्छा टाइम है पाकिस्तान के लिए कि दो तीन चीजों के ऊपर बात करें, अपना जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो ठीक करना है। एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है, क्योंकि दो ऑलराउंडर जो स्पिनर्स हैं ये अच्छी क्वालिटी पिच पे और अच्छी क्वालिटी बैटिंग के अगेंस्ट नहीं चल सकेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो कैचिंग है फील्डिंग, उसमें बेनतहा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो इसलिए नहीं, कई दफा आप कैचेस ड्रॉप करते हैं और फील्डिंग ठीक नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग लगा होता है कि अब क्या होगा, चौका लग गया, अब छक्का ना लग जाए, तो आपका बॉल पे से ध्यान हट जाता है और जो आपका पहला काम है विच इज टू फील्ड द बॉल, आप उससे कहीं कोसों मील दूर होते हैं। और फिर तीसरी बात वही है कि आपके जो ओवरऑल फास्ट बॉलिंग है इसको थोड़ी सी स्पीड पकड़नी है, थोड़ा सा पैशन दिखाना है, जज्बा दिखाना है। ये नहीं हो सकता कि अगर ये बैटिंग कंडीशंस अच्छी हैं तो आप श्रीलंका जैसी टीम से छक्के पे छक्के खा रहे हैं। और स्पीड कहाँ गई है? 130 के ऊपर आपके मेजर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे फिर काम चलेगा? फिर आपके स्पिन डिपार्टमेंट भी हल्की है, ये तो एक मौजाना तौर के ऊपर रन चेज हुआ है, बट अच्छी टीम अगर 345 आपके खिलाफ करेगी और 4-5 मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ 350 हो रहा है, तो फिर आपको वो जीतने नहीं देती, तो ये पाकिस्तान को इसका खास ख्याल करना है। बिल्कुल ठीक है रवि भाई, जैसे आपने फास्ट बॉलिंग का जिक्र किया, पेस की आप बात करें, हम देख रहे हैं कि हारिस को भी अगर देखें तो बहुत रन्स दे रहे हैं, विकेट नहीं मिलती तो बिल्कुल ही स्टटर कर जाते हैं, वेवर्ड बॉलिंग शुरू कर देते हैं। हसन अली ने आल 2 के 4 आउट किए बट उन्होंने बहुत रन कंसीड किए। शाहीन को अगर स्विंग नहीं मिलता तो उनका पेस, जैसे आपने कहा कि वो कुछ नॉच नीचे ड्रॉप करता है, तो वो बहुत ईजी बॉलर लगते हैं हिटिंग करने के लिहाज से, बट एक चीज़ तो बॉलर के कंट्रोल में होती है वो लाइन और लेंथ है। तो क्या आपको लगता है कि बेसिक गुड लेंथ भी भूल जाते हैं हमारे बॉलर, कि हमने अपनी लाइन लेंथ तो एटलीस्ट मेंटेन की जा सकती है? देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, स्किल वर्क भी कमजोर पड़ रहा है क्योंकि पेस नहीं है, तो वही जो गुड लेंथ का बॉल है वो जब आपकी 129 की पेस होगी या 132 की पेस होगी उस पर छक्का लग जाएगा, जब 140 पे करेंगे तो गेंद जोर से बल्ले में लगेगा और आप क्रॉस द लाइन नहीं खेल सकेंगे। सो कई दफा आपकी बचत हो जाती है। ये बड़े बड़े बॉलर्स के साथ हुआ है, 90 माइल से जैसे उनकी पेस 88 पे गिरी है तो उनको फेंटी पड़नी शुरू हो गई है। सो ये जो फ्यू नॉचेस नीचे जो गई है पेस, इससे आपका सारा जो गेम प्लान है ना वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसके ऊपर खास मेहनत की जरूरत है। फिटनेस इश्यूज हैं, मुझे नहीं पता हसन अली के क्या फिटनेस इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि आज के तो मैच में उनकी पेस बढ़ी नहीं बिल्कुल,
और ये और नसीम शाह के जाने से असल में बहुत बड़ा एक होल पड़ा है हमारी बॉलिंग में और उसको पता नहीं कैसे फिल करेंगे, मगर लीडर ऑफ द पैक शाहीन अफरीदी है, उनको अपनी गेम उठानी है। इसी तरह हसन अली अगर खेलते हैं उनको गेम उठानी है। वाइट बॉल बेनतहा किए, एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने बेनतहा कंसीड की, इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर कैच, वो देखे ना कुसाल मेंडिस का 8 और 18 पे कैच छोड़ दिया, उन्होंने 125 की इनिंग्स खेल दी। तो ऐसे आप इस तरह की बैड फील्डिंग की वजह से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी टीम्स आपको दोबारा चांस देंगे, ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ा पॉजिटिव बात करें रमीज भाई, आपने बहुत ज़्यादा एडवोकेट किया है अब्दुल्ला शफीक के लिहाज से, हम भी एशिया कप में भी बात करते रहे कि इस लड़का टेक्निकली बाबर के अलावा सबसे साउंड है, इसको चांस देना है, उसने प्रूव किया। और आप जो हमेशा बात करते हैं ये इस तरह का बड़ा स्टेज आपको लाइफ टाइम या हीरो बनाने के लिए पूरा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, उसने दोनों हाथों से ग्रैब किया। और शुरू में जिस तरह हमने देखा कि रिजवान भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा सा लगता था कहीं ना कहीं फंस रहे, बट जो खूबसूरत शॉट्स अब्दुल्ला शफीक ने खेली, उन दोनों की इनिंग्स के हवाले से आप प्लीज़ कुछ कहना चाहे तो। देखिए अब्दुल्ला शफीक ने तो एक तो अनाउंस किया कि वो आ गए हैं मैदान में और ये बहुत बड़ी इनिंग्स है, तो एक तो बहुत बहुत मुबारक, और पाकिस्तान का मसला भी हल हुआ है। ये मुझे पता नहीं ये लॉन्ग टर्म एसेट साबित होंगे या नहीं, क्योंकि अभी ज्यूरी आउट है कि सीमिंग पिच के ऊपर ये कैसा खेलेंगे और आगे स्पिनिंग और सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी। मगर स्टार्ट बेनता अच्छा है और यही स्टार्ट जो है पाकिस्तान को चाहिए था और अब्दुल्ला शफीक को अपने करियर के लिए चाहिए था। सो आज तो खुशी की बात है और बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। टेक्निकल एतबार से अच्छा खेले, 2-3 तो लाजवाब शॉट्स खेली उन्होंने जो कि मुद्दत तो याद रहेगी, और फिर अकल के साथ पार्टनरशिप बनाई और टेम्परमेंटली स्ट्रांग रहे और पाकिस्तान की जीत में बहुत बड़ा किरदार है इनका, और इनको पहले से ही खिलाना चाहिए था। देखें कई दफा पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है ये बहुत टाइम ले लेते हैं एक सिंपल डिसीजन के ऊपर, जब सब लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं रिजल्ट आ रहे एक आधे इंडिविजुअल से, तो कोई दुनिया पागल तो नहीं है ना, सबकी एक सोच है और सब क्रिकेट को अब बहुत समझते हैं। तो आपको स्टेटिस्टिकल एक व्यू पॉइंट मिल रहा था कि आपका ओपनर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तो फिर इतना टाइम क्यों लिया उनको रिमूव करने में। ये आई थिंक फखर जमान के साथ भी ज्यादती है क्योंकि उनकी अपनी एक जो कॉन्फिडेंस को डेंट लगा है बार बार फेल होके, वो उससे वो निकलेंगे बहुत देर के बाद। तो ये एक इसी तरह से आपको उसामा मीर को खिलाना है, इनको फोर्स्ड इंक्लूजन करनी है। ये पहली नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ये चांस ले लिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता कि टेम्परमेंटली कहाँ पे वो प्लेस्ड है ऐसे वर्ल्ड कप के इवेंट में। अब इंडिया के खिलाफ खेलते हैं है रिस्की तो है, मगर मैं तो ये कार्ड खेल जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के दूसरे जो ऑलराउंड स्पिनर्स हैं वो भारत के खिलाफ चलने वाले नहीं है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रिजवान के और इनकी बात करें सौशकील की भी, तो दोनों ने जब अब्दुल्ला आउट हो गए तो मोमेंटम कंटिन्यू रखा, क्रैम्स आ रहे थे रिजवान को, बट हमने देखा कि उन्होंने करेज शो की, खड़े रहे, और फिर बाद में जो थोड़ा सा लिटल स्पैन था जो रिक्वायर्ड था उस टाइम पे, क्योंकि अभी भी 80+ रन चाहिए थे, तो जो अच्छी पार्टनरशिप उनकी सौशकील के साथ लगी, दोनों की परफॉर्मेंस को भी कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और देखिए रिजवान ने 100 तो अपने लिए चले मान लिया किया, बट जो एक्स्ट्रा रन थे और आखिर तक खड़े रहे वो टीम के लिए खड़े रहे। इनफैक्ट पूरी इनिंग्स उनकी टीम के लिए होती है और ये साल उनका शानदार जा रहा है, 70s में उनकी बैटिंग एवरेज है। असल में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के लिए, अगर आप स्टैट्स का मुआयना करें ना, पाकिस्तान की प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर नहीं है। मिडिल ऑर्डर एक साल में भारत से बेहतर फंक्शन कर रहा है नंबर्स के हिसाब से, एवरेज स्ट्राइक रेट दोनों हमारे मिडिल ऑर्डर का भारत के मिडिल ऑर्डर से बेहतर है। हमें प्रॉब्लम 1-2-3 टॉप ऑर्डर में है, क्योंकि जैसे कि अब तो न्यूज ये ओपन हो गई है कि 1000 बॉल हो गए हैं कि पार प्ले में छक्का नहीं मारा पाकिस्तान ने ओडीआई में, 1000 बॉल। मगर क्या है कि मैच जीत जाते हैं और ओडीआई की बेस्ट टीम भी है, तो ये सही कहा, आई थिंक मैं किसी का ट्वीट पढ़ रहा था कि ये लॉजिक के ऊपर पाकिस्तान टीम जो है ना मुंह पे थप्पड़ मारती है, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है कि एक टीम जो छक्का ही नहीं लगाती है पावर प्ले में वो 345 आराम से कर जाती है। मगर ये प्रॉब्लम असल में टॉप ऑर्डर में हमें ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर पॉजिटिव की भी हमने जिस तरह बात कर ली, अब ये विक्ट्री आपने बड़ा कल इसमें स्ट्रांगली कहा कि ये मस्ट विन गेम होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपने भारत से जो मैच खेलना है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, टर्बुलेंस आ सकती है, तो अब क्या कहना चाहेंगे, ये मोमेंटम कितना हेल्पफुल है? और सेकेंडली रमीज भाई ये बताइए कि क्या बेसिकली अप्रोच होनी चाहिए उस बड़े टाकरे में, हमें अग्रेसिव खेलना है कि जैसे हमने देखा कि भारत पे भी अटैक किया जाता है तो वो स्ट्रगल करते हैं, तो क्या अप्रोच माइंडसेट होना चाहिए पहले बैटिंग का या चेज वाला कॉन्फिडेंस लेके जाना चाहिए?
देखिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और ये जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये गो टू पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट बनता है, क्योंकि भारत के अगेंस्ट आपने अपने आप को मेंटली उठाना है, वो टेम्परमेंट की गेम होगी, स्किल्स की तो हो ही होगी, और भारत ने सारे अपने बॉक्सेस टिक किए, उनकी फास्ट बॉलिंग शानदार है, स्पिन जो है कुलदीप यादव को कौन खेलेगा, इसी तरह से अश्विन खेलते हैं तो उनको कौन अच्छा खेलेगा, सो पाकिस्तान के लिए इम्तहान होगा और विकेटें हाथ में होंगी तो तभी काम चलेगा आगे, मगर फिर भारत की बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या करना है, क्योंकि श्रीलंका में तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग वन साइडेड वो अफेयर हुआ था जब भारत ने चारों शाने चित कर दिया था पाकिस्तानी बॉलर्स को, सो एक तो अपने आप को मेंटली उठाना है, मगर ये रेफरेंस पॉइंट बड़ा बहुत बड़ा बना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आप भारत से खेलने जा रहे हैं और इसी अपस्विंग में भारत को आप प्रॉब्लम दे सकते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ बॉल को देखना है, ये नहीं देखना कि क्या होगा अगर मैं आउट हो गया, क्या होगा मुझे छक्का लग गया, विराट कोहली अगर जम गए तो क्या होगा, आपका गेम प्लान स्ट्रांग हो, प्रोसेस को फॉलो करें, आपके फास्ट बॉलिंग को उठना है, ये 132 से 140 पे जाना है इनको अगले तीन दिनों में, ये कैसे करेंगे ये इनके ऊपर मुनासर है, बट इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है, नहीं तो अगर भारत की बैटिंग चल गई तो फिर 350 हो जाएगा इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ और पाकिस्तान 350 नहीं कर सकेगा, 1.5 लाख का मजमा होगा, सारे भारत के लिए चैंट करेंगे, तो आपको तो सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है और बेस्ट तरीका यही है कि आप हर बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करें और हर बॉल पे ये कहें कि मैं हार नहीं सकता हूं, मैं आउट नहीं हो सकता हूं, मैं मार नहीं खा सकता हूं, अपने आप को हल्लाशेरी दें, क्योंकि ये जो मुकाबला होता है ना ये होता ही टेम्परमेंट का ज्यादा है।